इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त के बारे में। उसका एसे किस तरह लिखना होता है, उसके हेडिंग किस तरह बनानी होती है, उसको समझ लीजिए, आपके उस पॉइंट किस तरह लिखते हैं, तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है, और 9th और 11th वालों के लिए भी है, लेकिन खासकर 10th और 12th के लिए है। तो 10th और 12th वालों 12 वालों के लिए पूरा एसे आपको लिखना ही होगा, क्योंकि आपको नॉर्मली 200 वर्ड के या 250 वर्ड के आपके एसे लिखने होते हैं। हाँ, जो छोटे क्लास 10th वाले बच्चे होते हैं, क्लास 10th वालों के लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूंगा वीडियो के आखिरी में, तो आप देख लीजिएगा वो पॉइंट अगर आप नहीं लिखेंगे या नहीं फॉलो करेंगे तब आपका काम बन जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं। हिंट आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन फॉर द डे, प्रोग्राम इन द टाउन, ये हिंट है जो क्लास 10th वालों को तो मिलता है लेकिन क्लास 12th वालों को नहीं मिलता है। तो हिंट जो है क्लास 12th वाले प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, या आप इसका पीडीएफ भी आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे वहाँ लिखा होगा पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका। अवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वतंत्र दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस फॉल ऑन द 15th अगस्त इन एवरी ईयर, हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल आता है अर्थात मनाया जाता है। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, पहली लाइन का मतलब ये है। अवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, हमारे देश ने इसी दिन अपनी आज़ादी पाई थी। आप यहाँ साल भी लिख सकते हो, 15 अगस्त 1947, आप ये भी लिख सकते हो ऑन दिस डे की जगह, समझ में आया। इंट्रोडक्शन में अब इतना बहुत कुछ है। अब लिखा है प्रिपरेशन फॉर द डे, ध्यान दीजिएगा ऐसे अगर हिस्ट्री आ गया कि इंडिपेंडेंस डे और हिस्ट्री ऑफ 15 अगस्त, तो उसका ऐसे कुछ और होगा। यहाँ हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं कि हम मनाते कैसे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे का हेडिंग पढ़ लीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे या सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त, इस तरीके से आएगा तब समझ जाइएगा। सेलिब्रेशन होगा तो आपको इस तरह लिखना होगा, हिस्ट्री होगा तो मैं बाद में आपको हिस्ट्री वाला इंडिपेंडेंस डे बता दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ द डे ये हेडिंग है, इसमें आप क्या लिखा हुआ है, वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जील एवरी ईयर, जील मतलब होता है उत्साह, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं इस दिन को बहुत ही उत्साह से हर साल, तो हम हर साल इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिस ईयर वी मेड ग्रेट प्रिपरेशन इन आर स्कूल, इस साल हमने बहुत बड़े, ग्रेट मतलब महान नहीं है, ग्रेट मतलब बड़े, हमने बहुत बड़े प्रिपरेशन मतलब बहुत हम तैयारियां हमने की हैं इस साल अपने स्कूल में। एवरी वन ऑफ अस वॉज ईगर टू टेक पार्ट इन द इंडिपेंडेंस डे, सभी लोग इच्छुक थे, सभी लोग क्या थे, इच्छुक थे। ये इंडिपेंडेंस बीत गया है और आप अब ऐसे लिख रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा एवरी ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, हमें से सब, वॉज ईगर, ईगर मतलब इच्छुक, हम सब इच्छुक थे टू टेक पार्ट इन द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन वाले हम सभी लोग उसमें भाग लेने के लिए इच्छुक थे, ठीक है। द वाइस प्रिंसिपल ड्रू अप अ प्रोग्राम, ड्रू अप मतलब उन्होंने प्रोग्राम खींचा अर्थात प्रोग्राम बनाया कि भाई इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, सुबह इतने बजे सब बच्चे आएंगे, ये होगा, प्रोग्राम होगा, फ्लैग होस्टिंग होगा, फिर स्पोर्ट खेला जाएगा या कोई फंक्शन होगा, फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ा जाएगा, तो जो पूरा ये टाइम टेबल होता है उसी को यहाँ बताया गया है कि द वाइस प्रिंसिपल ड्रू अप प्रोग्राम, है ना। तो जो वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने जो स्कूल का उस दिन का प्रोग्राम था वो बनाया। इट वॉज अनाउंस्ड बाई द प्रिंसिपल, और इसको अनाउंस किया गया, इसको घोषित किया गया प्रिंसिपल के द्वारा ऑन 13th ऑफ अगस्त, 13 अगस्त को इसको अनाउंस किया गया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप 13 की जगह 10 लिख सकते हो, 13 की जगह आप 8 लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम इन द टाउन, शहर में क्या प्रोग्राम, मतलब आपका टाउन मतलब ध्यान दीजिएगा एक सिटी होता है, सिटी मतलब बहुत अच्छी सिटी, जहाँ बहुत अच्छी सुविधा होती है उसको सिटी कहते हैं, है ना।
फिर होता है विलेज, विलेज आपको पता है गांव, फिर विलेज और सिटी के बीच का टाउन होता है, मतलब वो जगह जो गांव जैसा तो नहीं है और ना ही शहर जैसा है, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, है ना। तो वैसे वैसे जिले को हम क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अर्ली हमारा जो प्रोग्राम चल गया, प्रोग्राम इन द टाउन, मतलब शहर में हमारा क्या प्रोग्राम है। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द 15th of August, 15 अगस्त की सुबह, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब बहुत सुबह, ठीक है। तो 15 अगस्त की सुबह वी गैदर्ड इन द रामलीला ग्राउंड बिहाइंड द बस स्टैंड नियर द वाटर टैंक। अब इसमें लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग गैदर हुए, हम लोग इकट्ठा हुए रामलीला ग्राउंड पे, मतलब रामलीला मैदान पे, हम कोई मैदान है वहाँ हमने ग्राउंड हुआ। आप रामलीला की जगह कोई और ग्राउंड आपके दिमाग में जो भी है, ठीक है, कोई भी किसी भी ग्राउंड आपके सिटी में कोई भी ग्राउंड होगा उसका आप नाम लिख दीजिएगा कि यहाँ हम गैदर हुए, या स्कूल ग्राउंड लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा स्कूल ग्राउंड भी आप लिख सकते हो। बिहाइंड द बस स्टैंड, तो वो जो रामलीला मैदान था वो बस स्टैंड के पीछे था, नियर द वाटर टैंक, और वो जो मैदान था उसके पास वाटर टैंक था, मतलब उसके पास वाटर टैंक टंकी रखी हुई करती थी, तो उसी के पास सब बच्चे खड़े हुए या गैदर हुए, इकट्ठा हुए बोल सकते हैं। आवर टीचर्स ऑल्सो ज्वाइंड अस इन अ फ्यू मिनट, हमारे जो टीचर्स थे वो भी कुछ समय में या कुछ कुछ मिनट में वहाँ पर ज्वाइन हो गए, वहाँ पर जुड़ गए। वी वर डिवाइडेड इंटू फोर पार्टीज, हम चार पार्टीज में मतलब चार समूहों में बट गए, यहाँ पार्टी मतलब है समूह, तो हम चार समूह में बट गए। ईच पार्टी वॉज सिंगिंग नेशनल सॉन्ग, हर एक समूह नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत गा रही थी, एंड शाउटिंग और चिल्ला रही थी महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, हम चिल्लाते हैं ना जब रैली निकलती है तो ऐसे हम चिल्ला रहे थे। आप इस तरह कॉमा लगा लगा के लिख सकते हो याद। अच्छा मुझे बताइए नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है और नेशनल एंथम हमारा क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है फटाफट। अवर यंगर कंपेनियन, कंपेनियन मतलब हमारे साथी, हमारे जो जो युवा साथी अर्थात जो हमारे छोटे क्लास के बच्चे थे, दोस्त थे, वर फुल ऑफ मोर इंथ्यूजियाज्म, वो क्या थे, उत्साह से भरे हुए थे। वो जो हमारे छोटे साथी थे अर्थात हमारे छोटे क्लास के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे हुए थे। दे वर शाउटिंग द स्लोगन, वो स्लोगन चिल्ला कर बोल रहे थे एट टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी सबसे ज़्यादा आवाज़ में, सबसे तेज आवाज़ में। टॉप मतलब भाई टॉप ऑफ देयर वॉइस मतलब अपनी सबसे ऊँची अर्थात सबसे ज़्यादा आवाज़ में वो चिल्ला चिल्ला कर वो नेशनल एंथम सॉरी नेशनल सॉन्ग और भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय ऐसे बोल रहे थे। दस मतलब इस तरीके से सिंगिंग एंड शाउटिंग नेशनल सॉन्ग्स वर रीच्ड स्कूल एट 7:30 AM, हम गाना गाते हुए मतलब नेशनल सॉन्ग गाते हुए चिल्लाते हुए स्लोगन करते हुए हम पहुंच गए स्कूल 7:30 AM मतलब सुबह। तो हम 7:30 बजे स्कूल पर पहुंच गए, ग्राउंड से स्कूल तक हम रैली करते हुए पहुँच गए 7:30 बजे। ये टाउन का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम इन द स्कूल, स्कूल में क्या प्रोग्राम था वो लिखा है। इन द स्कूल वी स्टूड राउंड द फ्लैग पोल, हम जो स्कूल में हम सब क्या हुए, सब चारों तरफ खड़े हो गए राउंड फ्लैग पोल, मतलब जहाँ झंडा का डंडा होता है, जहाँ झंडा लगा जाता है, ठीक, जो उसका पोल होता है, जो डंडा होता है, तो उसके हम चारों तरफ वहाँ पर खड़े हो गए। द टीचर आस्क्ड अस टू स्टैंड क्लास वाइज, यहाँ आक्स मतलब है कहना, तो टीचर ने हमसे कहा कि हम क्लास वाइज मतलब हर बच्चे क्लास वाइज अपने साथ खड़े हो जाएं, जैसे हम खड़े होते हैं लाइन में। इन अवर खाकी यूनिफॉर्म, खाकी मतलब जो वर्दी वाला यूनिफॉर्म होता है, तो हम वर्दी वाले यूनिफॉर्म में वी लुक लाइक सोल्जर्स रेडी टू गिव अवर लाइफ फॉर द सेक ऑफ मदर इंडिया। सेक ऑफ मतलब था के लिए, सेक ऑफ मतलब क्या होता है, के लिए, बोलते ना फॉर द सेक ऑफ गॉड भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ मदर इंडिया भारत माता के लिए। तो लिखा है हम सब खाकी यूनिफॉर्म पहने थे और हम ऐसा लग रहे थे कि हम सोल्जर हैं जो भारत माता के लिए अपनी जान दे सकते थे। हम खाकी का ड्रेस पहने थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अपने भारत माता के लिए जान दे सकते थे। द टीचर स्टूड बिहाइंड अस, जो टीचर थे वो हमारे पीछे खड़े थे। ऑन अवर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट,
हमारे प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट से, मतलब हमारे प्रिंसिपल के प्रार्थना से, द फाउंडर ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो फाउंडर थे, मतलब जिन्होंने स्कूल बनाया था, है ना, हु इज़ अ सेक्रेट सेंट, जो कि क्या थे, एक पवित्र, सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, सेंट मतलब साधु, जो बहुत पवित्र साधु थे, अर्थात बहुत ज्ञानी साधु थे, केम फॉरवर्ड, वो आगे आए। तो हमारे प्रिंसिपल ने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, और वो जो वो फाउंडर थे स्कूल के, उन्होंने स्कूल बनाया था, वो एक तरीके से एक साधु थे जो आगे आए। ही परफॉर्म द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, उन्होंने ही फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग मतलब होता है ध्वज आरोहण, ध्वजारोहण बोलते हैं ना, जब वो टीचर लोग या प्रिंसिपल खींचते हैं धागे को तो वो झंडा खुल जाता है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फ्लैग होस्टिंग। तो ही परफॉर्म द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, उन्होंने ही परफॉर्म किया, उन्होंने ही ध्वज आरोहण किया, इसका मतलब यही है। ही वॉज इन हिज हैप्पी मूड, वह अपने खुश मिजाज मूड में, मतलब खुश मिजाज लहजे में थे। एग्जैक्टली एट ओ क्लॉक, मतलब 7:30 बजे हम स्कूल में पहुँच गए, वो झंडा भी हमने, झंडा भी जो फाउंडर थे उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया। एग्जैक्टली एट ओ क्लॉक, एकदम 8 बजे द फ्लैग वॉज होस्टेड, जो फ्लैग्स था वो होस्टेड, मतलब उसको ध्वजारोहण हो गया 8 बजे एग्जैक्टली। वी स्टूड इन अटेंशन टू सैल्यूट द फ्लैग, हम सब एकदम सीधा खड़े हो गए, अटेंशन मतलब यहाँ मतलब सीधा, हम सब सीधे हो गए ताकि हम जो झंडे हैं झंडा को सैल्यूट दे सकें, तिरंगे को सैल्यूट दे सकें। आफ्टर द फ्लैग सेरेमनी, फ्लैग जब ध्वजारोहण हो गया, जन मन गण वॉज संग, जन मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो गाया गया। द स्काउट बैंड प्लेड द ट्यून, स्काउट मतलब वो जो आर्मी ऐसे कपड़े पहनते नहीं हैं, वो स्काउट, एक आपके स्कूल में स्काउट अलग से एक बैंड बनता है, उन्होंने ट्यून मतलब उन्होंने धुन बजाई। द फ्लैग सेरेमनी केम टू अ क्लोज विद अ फ्यू स्पीचेस, जो फ्लैग सेरेमनी था वो जनगणमन के बाद कुछ टीचर्स ने स्पीच दी, भाषण दिया, उसके बाद वो सेरेमनी, वो जो पूरा समारोह था वो खत्म हुआ। सेरेमनी मतलब यहाँ समारोह। द टीचर एंड द फाउंडर डिलीवर्ड दीज स्पीचेस, जो वो जो भाषण था वो किसने दिया, टीचर ने दिया, और जो संस्थापक थे यानी जिन्होंने स्कूल बनाया था उन्होंने भाषण दिया 15 अगस्त पर, अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर। ऑल द स्पीकर थ्रू लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, सभी जो स्पीकर थे, सभी जो वक्ता थे, जो बोल रहे थे, जिन्होंने भाषण दिया, उन्होंने इस दिन की महत्ता को बताया, उस पर रोशनी डाली, लाइट मतलब यहाँ थ्रू लाइट मतलब उस पर रोशनी डाली। तो सभी ने, जितने लोगों ने भाषण दिया, सभी ने उस दिन की, 15 अगस्त के दिन की महत्ता को क्या दिया, रोशनी दिया, प्रकाश दिया एक तरीके से। टू टीचर टोल अस अवर ड्यूटीज टूवर्ड द कंट्री, दो टीचर जो उनमें से थे उन्होंने हम देश के प्रति हमारी जो कर्तव्य है वो उसके बारे में बताया, जैसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये इतना बहुत है हमारे लिए, और अगर आपके पास, अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स देना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया। पाँचवा कंक्लूजन, या चिंता मत कर क्लास 10th, आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सा पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। कंक्लूजन, द प्रिंसिपल आस्क्ड अस टू असेंबल राउंड द फील्ड टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमसे कहा, आस्क्ड अस, हमसे कहा टू असेंबल, असेंबल मतलब होता है एक एक लाइन बना लेना या एक तरीके से एक पंक्ति बना लेना, तो हमें एक असेंबल होने कहा, जुड़ने के लिए कहा, राउंड द फील्ड टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट, मैदान में असेंबल होने के लिए कहा ताकि हम स्पोर्ट यानी खेल में भाग ले सकें। द स्पोर्ट वर हेल्ड विथ ग्रेट जील, जो वो स्पोर्ट था, जो वो खेल कूद था, उसमें लोगों ने बड़े ही उत्साह से एक तरीके से भाग लिया और बहुत अच्छे तरीके से वो संपन्न हुआ। दोज हु स्टूड फर्स्ट एंड सेकेंड इन द स्पोर्ट, वो जो पहला और दूसरा स्थान पाए खेल में, गॉड प्राइज, उन्होंने प्राइज पाया, उन्होंने क्या पाया, उपहार पाया, बाय द होली हैंड ऑफ द फाउंडर, कि बाय द होली मतलब पवित्र, सेक्रेट और होली दोनों मतलब होता है पवित्र, तो गॉड प्राइज इज बाय द होली हैंड ऑफ द फाउंडर, जो संस्थापक थे उनके पवित्र हाथों से उन फर्स्ट और सेकेंड वालों ने प्राइज पाया। आप थर्ड भी जोड़ सकते हो कि थर्ड प्राइज वाले, थर्ड
आने वाले ने भी प्राइज़ जीता। अब बात करते हैं क्लास टेंथ वालों को क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्लास टेंथ वाले चाहे तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप नहीं पढ़ोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है, या उसको आप हटा दोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पॉइंट अगर आप नहीं पढ़ोगे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको हटा देना है, ठीक। ये आपको नहीं लिखना है, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपका जो ऐसे है वो छोटा हो जाएगा। ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। और इसमें W आप कैपिटल कर लेंगे, V रीच जहाँ लिखा इसमें आप W कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम इन द स्कूल, इसमें आप क्या छोड़ सकते हो, ये लाइन आप छोड़ सकते हो। ये भी लाइन आप छोड़ सकते हो। फिर आफ्टर द सेरेमनी वाला जो लिखा है ये लाइन आप छोड़ सकते हो। जो मैंने अंडरलाइन जो मैंने हाईलाइट किया उसको आप छोड़ दीजिएगा। ऑल स्पीकर थ्रू लाइट्स, यहाँ से बताइएगा, ठीक। फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन, अब इतना पैराग्राफ हटा दोगे तो आपका लगभग लगभग 50 वर्ड या 40 वर्ड आपका हट जाएगा और ये तकरीबन तकरीबन 100 वर्ड का ऐसे हो जाएगा। 75 वर्ड का होता है लेकिन ये 100 वर्ड का हो जाएगा। 100 वर्ड का ऐसे बहुत है, दो पेज आप लगभग इस डेढ़ पेज अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हो तो आपको फुल नंबर मिल सकता है अगर आप साफ साफ लिखोगे तो। और ट्वेल्थ वाले कम से कम 3 पेज का ऐसे लिखेंगे तब जाके उनको अच्छा नंबर मिलता है और साफ साफ लिखेंगे तब। तो ये था इंडिपेंडेंस डे पे ऐसे क्लास टेंथ, स्पेशली क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ के लिए, लेकिन ये नाइन्थ और इलेवेंथ वालों के लिए भी अप्लाई होगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो क्या क्या पॉइंट हटाया गया है। वर्ड मीनिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ, सेंचुरीज मतलब शताब्दियाँ, सेलिब्रेट मतलब मनाना, उत्साह मतलब जील, उत्सुक मतलब ईगर, अनाउंस मतलब घोषित किया, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, स्लोगन मतलब जो नारे हम बच्चे लगा रहे थे वो, यूनिफॉर्म मतलब पोशाक जो हम पहनते हैं, और फ्लैग होस्टिंग ध्वज आरोहण, और फाउंडर मतलब संस्थापक, ये हम देख चुके हैं पूरा। तो ये है आपका पूरा पॉइंट। कहीं भी डाउट हो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको और डिटेल चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो। आपको इस चैनल पे इंग्लिश रिलेटेड लगभग लगभग सभी पॉइंट मिल जाएंगे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के। तो इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।